जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेटने में मसरूफ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस का, उसका नाम है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन किया, उसकी इंपॉर्टेंस देखी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए उनको हमने देखा। तो आज हम जो है वो अगला टॉपिक जो है हमारा सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट वो पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर नोट्स भी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखें बगैर टाइम ज़ाया किए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि मैं सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट पर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं जो इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी हैं। देखिए, जब भी हम कोई शेप बनाते हैं, आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था, फ्लो चार्ट क्या है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसकी तस्वीरी शक्ल। अब किसी भी चीज की हमने पिक्चर बनानी हो तो उसकी पिक्चर एक स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चेयर की पिक्चर बनानी है तो आपके सामने जो चेयर नजर आ रही होगी आपको पता लगेगा, अच्छा ये चेयर की पिक्चर है। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने जो पिक्चर नजर आ रही है वो चेयर की और मैं कह रहा हूं कि ये बैट है, ठीक है, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट का बैट है। तो आपको पता है कि ये शेप किसकी है, चेयर की है। बैट की शेप और है, टेबल की शेप और है, फैन की शेप और है, ठीक है, मोबाइल की शेप और है, लैपटॉप की शेप और है, हर चीज की एक शेप होती है। तो जब हमने फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट की भी एक शेप होगी ना। तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें उसकी शेप्स को सीखना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही तो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट की जो शेप्स हैं वही असल में हम यहाँ पे सीखने लगे। तो आसान सा काम है, सिर्फ हमने शेप्स याद रखनी कि भाई इस चीज की ये शेप है, इसकी ये शेप है, उन शेप्स को याद रखना। जैसे आपको याद हो गया होगा कि चेयर की शेप ये है, मशीन की शेप ये है, वॉशिंग मशीन की शेप ये है, सिलाई मशीन की शेप ये है, बैट की, बॉल की, हर चीज की शेप याद है तो इसकी भी याद हो जाएंगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है और बहुत ही छोटा सा काम है। देखें, अब इसको अगर आपने याद कर लिया, समझ लें आपको फ्लो चार्ट बनाना आ गया, क्योंकि इसके बाद फ्लो चार्ट बनाने हैं, हमने शेप्स याद हो गई तो फ्लो चार्ट बनाना आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले जो शेप है वो है एरो की, ये किस लिए होती है, फ्लो लाइन, इसे कहते हैं फ्लो लाइन। अब फ्लो लाइन से क्या मुराद है, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना तो ये फ्लो लाइन, ये जो एरो है, ये हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अब आम रूटीन में भी फ्लो लाइन, ये जो एरो होता है, ये असल में किस चीज को बता रहा था, डायरेक्शन। जैसे ही मैंने बनाया हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो इसको देख के पता लगेगा यहाँ से यहाँ की तरफ हमें जाना है, ठीक है। जैसे हमारे जो सड़कें होती हैं, रोड्स के ऊपर भी एरो बना होता है कि यहाँ से टर्न है, यहाँ पे यू टर्न है। तो एरोज जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को। तो ये भी उसी तरह से, और कोई इसमें नई बात नहीं है। अच्छा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, ये सिंबल है टर्मिनल सिंबल। वैसे ये ओवल है, ओवल, ठीक है। अच्छा, ये जो शेप्स मैंने बनाई है ये इतनी अच्छी तो नहीं है, तो समझ जाइएगा यार। तो ये जो शेप है ये है ओवल, ठीक है, इसके किनारे जो है वो शार्प नहीं है, एजेस की शार्प नहीं है, गोल है, इसे कहते हैं टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल कहते हैं एंड्स को, किनारे, किसी भी चीज के किनारे। जैसे ये मार्कर है, ये इसका टर्मिनल है और ये इसका टर्मिनल है। तो जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, जहां फ्लो चार्ट शुरू होगा, जहां फ्लो चार्ट एंड होगा, फ्लो चार्ट के स्टार्ट में और फ्लो चार्ट के एंड पे, हमने इस सिंबल को बना देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो टर्मिनल सिंबल क्या है, ओवल सिंबल, फ्लो चार्ट शुरू करना है और एंड करना है, इस सिंबल को बनाना है और कुछ भी नहीं। ओके, ये है पैरेललोग्राम, इस शेप को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इस्तेमाल होती है इनपुट और आउटपुट के लिए। अगर आपको याद हो फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो इनपुट या आउटपुट भी उसके अंदर होती है, इनपुट आउटपुट जरूर होती है। वो कैसे होती है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसकी शेप कौन सी है, पैरेललोग्राम। जब भी कोई चीज इनपुट होगी और जब भी कोई चीज आउटपुट में हमें मिलेगी तो उसकी जो शेप होगी वो पैरेललोग्राम वाली हमने बनानी है, ठीक है, ये बस आपने याद रखना है। उसके बाद प्रोसेसिंग, ये इसे रेक्टेंगल का सिंबल कहते हैं, रेक्टेंगल। तो हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट में पढ़ा था ना, एक हमारे पास प्रोसेसिंग भी है, प्रोसेसिंग का हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2+3 अगर मैंने लिखा, ये मैंने इनपुट की है, ठीक है, और आगे प्रोसेसिंग की कंप्यूटर ने और हमें दे दिया 5। तो जो उसने प्रोसेसिंग की है, जब वो प्रोसेसिंग करेगा किसी चीज के ऊपर, जब वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा, वो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल का सिंबल हमने वहां पे बना देना है। और ये जो 5 हमें मिला है, ये क्या है, हमारी आउटपुट है, जो उसने हमें आउटपुट में रिजल्ट दिया है, ठीक है। 2 और 3 हमने उसको इनपुट में दिया, उसने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और हमें आउटपुट दे दिया। तो जब हम प्रोसेसिंग की शेप बनाएंगे तो वो कैसी बनाएंगे, रेक्टेंगल की तरह बना देंगे। और चौथी चीज जो हमने कल पढ़ी थी डिसीजन मेकिंग, उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसे डायमंड सिंबल कहते हैं, डायमंड सिंबल, ये सिंबल का नाम है वैसे,
लेकिन हम इसको किस लिए यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी जब हमने कंडीशन लगानी होती है कि अगर ऐसा है तो ये करना है, अगर ऐसा नहीं है तो ये करना है। जैसे एग्जांपल मैंने कल आपको दी थी फेसबुक की या जीमेल वगैरह की, तो ये जब हमने काम करना हो फ्लो चार्ट में, कोई कंडीशन कोई शर्त हमने चेक करनी हो कि ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग सिंबल यानी इसके अंदर लिखते हैं बस। और लास्ट पे आता है सर्कल, छोटा सा सर्कल है। इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमने दो फ्लो चार्ट्स को आपस में मिलाना हो, दो फ्लो चार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, या दो फ्लो लाइंस हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर उनको कनेक्ट करना है, तो हम दरमियान में ये सर्कल सिंबल लगाते हैं। चूंकि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, कनेक्टर हो गया। बस सिंपल सा ये काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो शेप्स उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि ये शेप किस लिए इस्तेमाल होती है, ये शेप किस लिए इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको इन शेप्स के नाम भी बता दिए, वो नाम से भी पूछ सकता है, बजाय इसके कि वो शेप बनाए, वो नाम से पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू है, वो कहता है ओवर सिंबल इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है टर्मिनल, और ऑप्शन डी है डिसीजन मेकिंग। तो सी ऑप्शन से ये टर्मिनल, तो ओवल का नाम उसने यूज किया, शेप नहीं बनाए। तो इसलिए मैंने आपको नाम बताया कि आपको नाम भी याद होने चाहिए, वो नाम से भी पूछ सकता है। इसी तरह से सर्कल, इसका नाम इसे डायमंड सिंबल कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसे टर्मिनल सिंबल, वैसे इसका नाम ओवल है, और ये है एरो जिसको हम फ्लो लाइन के तौर पे यूज करते हैं। तो कल के लेक्चर से पहले पहले आपने इन सिंबल्स को याद कर लेना है, तो फिर जब हम कल लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको सिंबल्स याद होंगे, तो कल फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल्स आपको आएंगी। अगर आपको यही याद नहीं है तो एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आप याद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।